एक घर के सबसे छोटे बच्चे पे प्रेशर डाल दिया इस्लामाबाद ने। लेकिन बात यह है आतिफ के, वो कर क्या रहा था यार इफ्तिखार इतने पीछे आने के लिए, मतलब उसको तो आगे पांचवें नंबर भेजना चाहिए था। नहीं, उसको इतनी गालियां दे रहा है इफ्तिखार माशाल्लाह से कि वो कह रहे हैं भाई पहले आए किसी को मार मुर ना दे। ऑल टाइम नालायक 11 के कैप्टन खुशदिल शाह ने आज फिर वही किया जो उन्होंने हमेशा किया और आखिर में नौकरी पक्की करने के लिए दो आउट कर दिए। हाँ, दो आउट किए और मतलब इस तरह से उन्होंने फील्ड में एग्रेशन दिखाया कि जैसे उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंचे। अरे रिजवान को तो देख के इतना गुस्सा आ रहा था, मशवरे कौन दे रहा है रिजवान? कैप्टन के साथ एक दो सीनियर प्लेयर होते हैं ना कि यार ऐसे करो, खुशदिल शाह से मशवरे ले रहा है यार, मतलब हद हो। अभी रिजवान को मशवरे लेने चाहिए, वो उसको खुद नहीं समझ आ रहा कीपर है और एज लगी है आजम खान की, उसको खुद नहीं पता चल रहा, सबसे पूछ रहा है कि भाई आउट हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई तुम कीपर हो तो तुमसे गरीब कौन है? वो तो तुमसे गरीब अल्लाह ताला ही है बैठे हैं जो मतलब उसको आवाज आ जाएगी। बैट्समैन वो तो बैट्समैन से पूछ लेता था यार, बैट लगाए या पैड लगाए। और आजम कह रहा है नहीं लगा, बैट्समैन भी हंस रहा था कि रिव्यूज आया कराओ इनका। आजम खान कह रहे हैं मेरी एज नहीं लगी, उनको वैसे हल्की फुल्की एज तो फील भी नहीं होती होगी। हां, वो जिस तरह उसकी एज है ही नहीं, कहां से फील होगी? हर तरफ से तो गोल है वो, कॉर्नर भी नहीं है उसका, एज भी नहीं है उसकी, एज होनी। लेकिन भाई रन बनाता है वो और विकेट और कैच पकड़ता है, तुम लोग कुछ बोला नहीं। आजम खान का एक कैच छोड़ा भी है अब्बास अफरीदी ने, वरना उसके इंटरनेशनल में चांसेस नहीं मिलता है भाई। चाचू के 32 रन जो है ना आखिरी विकेट पे, उसने मैच बना दिया था और मैच में इतने रन बहुत थे, लेकिन शुरू में जिस तरह से जो है ना इन्होंने प्रेशर जो डाला है और उस पे जो मैच फंसाया, लेकिन वही कि यार एक सर्टेन टाइम के बाद बिल्कुल रिलीज हो गया प्रेशर, जब एकदम से जो पटाई भाई चाचू को अगर खुशदिल शाह की जगह भेजते ना तो 32 रन और खड़े कर देता वो ऊपर इसके। और मेरे ख्याल से खुशदिल के बाद फिर एक और बंदा भी आया, उसामा मीर आया ना, तो फिर और भी लोगों को भेज देते फिर। उसामा मीर लेकिन इतनी बॉलें जा रही थी, एक बॉल पे उसने छक्का मारा, दूसरे पे वो आउट हो गया। असल में वो उसको लग रहा था कि वो उसामा मीर लंबा बहुत है ना, तो उसको लग रहा था कि बॉलर के हाथ से छूटने से पहले वो हिट मार देगा। उसने मारी भी एक दो छक्का लगा है ना, इसी तरह ही मारी है उसने, एक छक्का भी उसका ऐसे ही लगा। और वो मेरे ख्याल में उसको शादाब को मारने के लिए भेजा था। जो बंदा फॉर्म में था आपके, और आखिरी के ओवर्स रह तो गए थे 6-7 या 5 ओवर ही रह गए, 15 ओवर में 113 रन थे इनके, और उसके बाद खुशदिल और वो आउट हुए। मुल्तान की पूरी कैंपेन जो चली है वो दो लोगों के कंधों पे चली है, एक उस्मान और एक चाचा, ये कंसिस्टेंटली जो है वो रिजवान भी है यार, रिजवान ने पे रन सही है, और रिजवान तो मतलब एक तरह का हमेशा से है ना यार, अब कैप्टन भी है और वो भी है तो वो तो करेगा ना। उसामा मीर ने भी कुछ कुछ मैच, उसामा मीर ने हाईएस्ट विकेट टेकर है यार, कुछ कुछ मैच सही है ना, 70 रन भी पड़े हैं भाई उसको। उसामा मीर ने आज विकेट नहीं लिया, विकेट लिया आज, दो लेने पे शायद उसका वो हो जाता रिकॉर्ड 25 विकेट्स का। मेरे ख्याल में हाईएस्ट अभी भी विकेट्स हैं वो सामा मीर, नहीं नहीं किसी पीएसएल में मैंने सुना था कि 25 विकेट्स जो है ना हाईएस्ट है, जैसे फखर जमान का रिकॉर्ड था ना भाई, तो लग तो रहा था कि 15 आउट तो इमाद वसीम के हो गए। अच्छा, शादाब ने ना अपनी टीम को बोला हुआ है कि भाई उसामा मीर को कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं आपने, क्योंकि मेरी स्पॉट के चक्कर में तो पहले मैच भी 4 में उड़ता दिए थे, आज गब्दल ने किसी को नहीं मारा। अगले साल जो है वो कितने 1,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट गप्टिल को मिलेगा। अच्छा, इनके ऑप्शंस देखें, इन्होंने जो खरीदारी की है, मतलब या तो इनको ये सेल में चले गए थे या 75% ऑफ पे चले गए थे, कि मुनरो भी इन्होंने ले लिया, एलेक्सेल्स भी ले लिया, गप्टिल भी ले लिया, टाइम मिल्स भी इनके पास है, आरआर के बाहर बैठे हैं, रोहन रईस हेल्स को बाहर बिठा रहे हैं लोग। मैकॉय के तो इंजरी हो गया ना, मैकॉय भी खेलता है। नहीं नहीं, इन्होंने असल में वो होता है ना, वो बकरे लेने जाते हैं ना तो फुट्टा खरीदते हैं, तो उसमें 2-4 भारी के चक्कर में थोड़े हल्के हल्के भी ले लेते हैं, इन्होंने सारे ही एक जैसे उठा लिए। अरे यार, लेके थोड़ी उठाए, भारी उठाए, टेंट के जानवर उठाए इन्होंने, टेंट के जानवर, सारे टेंट के जानवर हैं ये सारे, सारे बड़े बड़े जानवर के ना, बड़े प्लेयर उठाए। अच्छा, चाचू ने जब पहला कैच पकड़ा है ना यार, मैंने कहा गेम बता, आज चाचू का दिन है। चाचू ने आज फहीम अशरफ को आउट कर दिया। हम लोग साथ ही मैच देख रहे थे, यही बात चल रही थी कि यार ये फहीम अशरफ जो है वो 30 रन बना लेगा 3 ओवर में, यानी कहा ये इतना बड़ा प्लेयर नहीं है फाइनल में रन बनाएगा। कौन? फहीम अशरफ। मैंने साथ बोला साथ मैच आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर तक जाएगा और आखिरी में 12 रन रह जाएंगे, लेकिन खैर वो 8 रन रह गए थे, क्योंकि उसने जो नसीम शाह ने छक्का और चौका मार दिया ना चाचू को यार, नसीम आखिरी 3 ओवरों में पूरा बैट्समैन बन जाता है, जहाँ पे बॉल दोगे वहां पे मारेगा। नहीं, पूरा बैट्समैन तो हमारा रन ही नहीं करता आखिरी 3 ओवरों में, आप इसको किसी और कैटेगरी में डाल। लेकिन पूरे बैट्समैन की बात करें तो रिजवान भी हमारा आधा बैट्समैन है, लेकिन वो ऊपर खेलता है, वो सिर्फ एक तरफ खेलता है यार, बड़े तो आधा बैट्समैन हुआ ना, बड़ी बड़ी कह रहे हैं वैल्यू कंट्रीब्यूशन होती है इसकी, बड़ी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो प्रेशर सिचुएशन में 17 रन 9 बॉलें या 10 बॉलों पे बनाए हैं, चारे ने 3 ओवर में 9 रन दिए थे, चाचू ने 16 रन खींच दिए उसके आखिरी, उसने मोहम्मद अली को जो चौका मारा है, धोनी वाला शॉट था यार, क्लासिक, मतलब बहुत ही आला। विराट कोहली और ये सारे ये लोग जो फ्लिक मारते हैं ना रिस्ट पे मार रहा है यार भाई। खड़ा हुआ वो डीप है क्रीज में, उसको हिट ही लगानी है, ये बात समझ में आ रही थी बिल्कुल, उसको बिल्कुल जोन में बॉल पड़ी और उसने ठक कर गया, वेरिएशन प्लेस की बॉल, उसने ऊपर नहीं मारने की कोशिश की, उसने प्लेस की बॉल, वो ऑन ग्राउंड ही खेल रहा था भाई। इस फाइनल का जो रिपरकशन था वो ये था कि अगर आज मोहम्मद अली मैच जिता देता
तो मोहम्मद अली टीम में आ जाता, सही है, राना फई मशरफ जिता देता तो वो टीम में आ जाता, ठीक है। अभी ये हुनैन शाह को कच्चा तोड़ देंगे, नहीं दो चौके भी तो मारे हैं। कितना यार उसने बहुत खराब बॉलिंग करी यार, इमाद की बॉल बाहर निकल गई है, मैं तो उस पे हैरान था। हाँ वो तो उसकी बॉल स्पिन हो गई बाहर की तरफ, पहली बॉल पे उसको उसने मारा ना यासिर ने स्टार्ट, जो पहला ओवर कराया उसने पहली बॉल, दूसरा उसने स्पिन कराया वो बीट हुआ, तीसरे पे उसने खड़ी कर दी आउट हो गया। वो एक बॉल भी स्पिन कर देना अपनी स्पेल में तो बैट्समैन के जहन में यही रहेगा कि अच्छा ये बाहर स्पिन कर सकता है बॉल, तो वहां पे वो डबल बॉलर बन जाएगा। खैर अब खुलासा ये है कि बड़ा टूर्नामेंट का जो एक पूरा एनवायरनमेंट, एक बिल्डअप और वो सारी चीजें थी वो बहुत ही बेकार किस्म की थी। उसमें बॉयकॉट का एलिमेंट भी था, पीसीबी ने आवाम के जो सेंटिमेंट्स थे उनको रोकने में बहुत सारे काम किए और कोई भी उससे खुश नहीं था, लेकिन जो एक फाइनल में क्रिकेट का फ्लेवर ऐड हुआ है ना उसमें, अच्छी क्रिकेट का, उससे जरा मजा आया। और लोग भी आए हुए थे आज, और लोगों ने तो स्टेडियम तो भरा हुआ था आज, आज पहली दफा असल में भाई आज आसपास के रोड खुले हुए होते हैं, कराची के अंदर लोग शिकायत करते हैं कि स्टेडियम में नहीं आते, जरा कोई जाके दिखाए। यार मजे की बात है, मैं वहीं से ही आता हूँ, आज रोड बंद था, वरना रोज जब मैं मैच के लिए आता हूँ रोड खुले होते हैं। हसन स्क्वायर से बंदा ना, ये तो बहुत पहले से करते हैं, नीपा से बंद करते हैं लोग ये, नहीं मतलब नेशनल स्टेडियम की बैक साइड जो थी ना वो खुली होती है इंटरनेशनल, आज बंद थी वो, लेकिन लोग आए हुए थे। इंटरनेशनल फैक्टर ये था कि फ्री था, फ्री था वो भी सेकंड हाफ, कराची वाले जो है ना वो पैसे खर्च करके नहीं देख रहे आ रहे मैच। नहीं असल में ये उस दिन भी किया था आखिरी वाला सेकंड हाफ में कर दिया था, उसमें भी दो स्टैंड भर गए थे। असल में यार देखो थोड़ा सा मुफ्ते का आज भी लोगों को था कि शायबा के अब कुछ हो सकता है, तो लोगों ने तभी तो इतने ज्यादा लाइनें बनी हुई थी जब कराची वाले इसलिए नहीं आते क्योंकि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें कराची वाले खरीदते हैं ना पाकिस्तान में वो दूसरे शहरों के मुकाबले में महंगी होती है, तो वो बोलते हैं यार हम यहाँ इजाफी खर्चा क्यों करें, कहीं तो हमें फैसिलिटेट किया जाए। देखिए वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ना सीरियसली, जब वैल्यू फॉर मनी ही नहीं है तो फिर क्या भी था यार, इस दफा ये भी था कि कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव, और आप इतने दूर से मैच देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर लोग मैच नहीं देख रहे होते, पूरी वही एक्सपीरियंस और वो सब काफी सारी चीजें हैं इसके ऊपर बहुत लोगों ने बात करी है। खैर ये तो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, पॉइंट ये है कि फाइनल अच्छा था, मजा आया, फाइनल भी अच्छा था, इससे पीछे वाला आपका एलिमिनेटर भी अच्छा था। इस्लामाबाद आखिर के पांच मैच जीता है और पांच मैच जीत के वो अच्छा, आपको मुबारकबाद देनी बनती है ना, क्यों खाना खिला रहे हैं काशिफ भाई यार, खाना खिला रहे हैं यार, पहली बार जो है वो कबाब सारे गैसेस तो ठीक हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई प्रोफेशनल ये काम करता हूँ, नहीं नहीं ये तो खैर कितने पैसे लगाए थे आपने, डाउट तो है बॉस यार, पैसे लगा लेते तो शायद कुछ प्रॉफिट ही आ जाता, लेकिन आपको सलीम मलिक पसंद भी है, सही है, मुझे तो आप भी पसंद हो यार बैलेंस रखना होता है, रखना होता है भाई, हमारा ताल्लुक जो है माशाल्लाह इतने बारिश लोगों से भी ऐसा नहीं है, सकलैन मुश्ताक लेकिन बाद में, लेकिन ये कि जब आप किसी की प्रेडिक्शन लगा देते हो ना फिर आप उसके लिए दुआ भी करने लग जाते हो ना कि यार जीत जाए, यार ये चौका हो जाए या ये हो जाए, हालांकि आज मुझे लग रहा था कि भाई भी डिजर्विंग, तमाम फैंस को भी बताना चाहते हैं कि काशिफ भाई से अपने लिए दुआएं करवाया कर, इनकी दुआएं कबूल हो रही है और सीजन भी है दुआओं का, दम ही करवा लेंगे, दम करवा ले सही है, लेकिन ये एकदम कर देते हैं ये देख लीजिएगा, दम दम अदम भी हो जाते हैं। मुल्तान तो पीएसएल की वो आरसीबी बनती जा रही है, जब भी फाइनल में पहुंचती है, अभी खैर वो जीत गए हैं आरसीबी, वो डब्ल्यूपीएल जीत गए, लेकिन इससे पहले मेंस टीम जो है बहुत दफा फाइनल में पहुंची है लेकिन कभी जीती नहीं, तो उसको न्यूजीलैंड कहा जाए तो बेहतर नहीं है, न्यूजीलैंड भी कह सकते हैं, और पिछले 10 साल से देखे तो इंडिया भी कहा जा सकता है। और आज ये हारे, वैसे ये टीम बहुत अच्छी है लेकिन इनके जीतने के कुछ जो दूरअंदेश नतीजे हो सकते थे उसमें एक तो ये रिज़्ज़ी भैया कैप्टन बन रहे हैं, रिज़्ज़ी भैया कैप्टन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि खुर्शीद शाह 11 के अंदर आ रहा है, मैं इस बात से खुश हूँ कि वो नहीं हुआ, सही है, पीएसएल वीएसएल अपनी जगह लेकिन ये इंटरनेशनल टीम का बेड़ा गर्क हो जाता अगर ये जीत जाते, रिज़्ज़ी भाई अभी भी कैप्टन बन जाएंगे वो, लेकिन खुशदिल टीम में नहीं आएगा, खुशदिल की तो खैर जगह भाई, अगर वो आज एक छक्का मार लेता तो आ जाता टीम में वो, आप देख अभी खुशदिल बहुत दूर है, रिज़्वान पे जो पहले भी वर्ल्ड कप के दौरान भी जो एक वो वाली बात थी ना कि उसका थोड़ा सा वो एक थोड़ा सा बाइस रहे वो टुवर्ड्स केपीके प्लेयर ना, तो इस मुल्तान की सुल्तान का नाम भी एम केपीके रख दें, मुल्तान केपीके, क्योंकि सारे प्लेयर तो इनके ज्यादातर वहीं के, इफ्तिखार खुशदिल शाह ये सारे वही हैं। तो दूसरा ये है कि अगर वो जिस तरह अभी साथ ने कहा ना कि खुशदिल शाह या और भी इस तरह के कोई प्लेयर्स हैं जो कि वहाँ के हैं, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस एक वाला मसला है, लेकिन अरे ये मतलब डिसाइडेड नहीं है कि आसिफ अली ने चलो 500 मैच में से एक तो जिताया है, एक या डेढ़,
खुशदिल ने भी एक वनडे जिताया था, मुझे नहीं याद है यार, मुझे याद है, हमने नहीं देखा वो। मैं आपको हाइलाइट्स दिखाऊंगा उसकी, पाकिस्तान में जिताया था उसने, मुझे अब याद नहीं आ रहा, शायद इंग्लैंड के खिलाफ जिताया, वनडे नहीं होगा कुछ और होगा, कब हुआ कोई जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, मैं दिखा दूंगा आपको, पाकिस्तान ने ऐसे जिताया भाई, उसका एक चौका बड़ा मशहूर है जो उसने भुवनेश्वर कुमार को मारा था मिड विकेट पे, जिसमें आसिफ ने उसको फिर छक्का मारा था, सही है, सेकंड लास्ट ओवर में, वो उसका वाहिद मशहूर चौका है, जिसमें रवि राजा ने भी कहा था कि भाई मारा था वहां पुल पे, जो ही इज फेमस फॉर हिटिंग सिक्सेस, हां बस वो एक वही है, उसके अलावा उसने मैच नहीं जितवाया, आसिफ अली ने चलो अफगानिस्तान के खिलाफ जितवाया या कहीं और अच्छा खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक मैच जिताया था आसिफ अली ने, हां यार वो मैच था अफगानिस्तान, चार छक्के वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिताया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये वो ये 22 पे 42 चाहिए थे तो वो इसने जिताया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा यार, जब यार ये मेरे पास हाइलाइट्स हैं यार, अब तो नहीं नहीं अब हाइलाइट्स होंगी, इस एक मैच इसने और चाचा ने मिलके भी जितवाया था, इसने और चाचा ये 21 पे 35 है अभी चल रहा है, नहीं जब एंड हुआ है तो उसने कितने रन बनाए आप ये देखो ना, एंड हुआ तो उसने 22 पे 41 बनाए, 22 पे, अच्छा ये वाला मैच तुम कह रहे हो जिसमें मेरे ख्याल से बाबर के 100 थे और रिजवान के 50 थे, वेस्ट इंडीज, वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है जिसमें उसने 3 इकट्ठी सेंचुरीयां मारी, तो एक मैच उसने जिताया है, लेकिन यार तुम उसमें उसमें तुम लोग इमाम उलक की गिनी हुई सेंचुरी को तो मानते नहीं हो, इसके 30 रन को तुम लोग इतना प्रेस कर रहे हो यार, ये तो बात हुई, तो क्या बात है, इमाद वसीम के 22 रन को क्या हम प्लेस नहीं करेंगे जो आज उसने खेला, नहीं आज की बात नहीं है ना, आप मतलब उसी मैच में इमाम उलक ने 100 बनाए, एक्चुअल बात कह रहा हूं मैं, एक मैच उसने जिताया है, बात ये है कि एक मैच उसने जिताया है, इस फैक्ट को माना जा रहा है तो इमाम उलक की सेंचुरी भी मानी जाए, हमारा मानना ये नहीं, तो इमाम के सेंचुरी को मान को कौन नहीं मान रहा, मुझे बताओ, नहीं तो लोग देखते हैं कौन नहीं मान रहा सेंचुरी को, भाई नहीं मानते यार लोग, दुनिया वाले नहीं मानते उसके सेंचुरी, वो तनवीर सिर्फ कहता है, छोड़ दो उसकी बात को, लेकिन ये है कि तनवीर भाई तो तमाम भाई को लेजेंड नहीं मानते, देखो अगर ये चलो उसने जितवाया भी जैसे तुम कह रहे हो, तो ये ऐसी इनिंग है जो बड़ी मुश्किलों से तुम्हें एविडेंस के तौर पे अदालत में पेश करनी पड़ी है, अब मैं कह रहा हूं फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक जिताया उसने मैच, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि, वरना देखो जितना लंबा मतलब बहुत लॉन्ग रन मिला है दोनों का आसिफ को, और इसको कंटिन्यूसली ये लोग खेलते रहे, लेकिन भाई मेरे हिसाब से पाकिस्तान के ऑल टाइम नालायक 11 के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं दोनों, खुशदिल शाह और आसिफ अली, और हैदर अली, हैदर अली है 12वां खिलाड़ी उसमें, लेकिन हैदर अली अभी यंग है, वो अभी उसके पास फिर भी टाइम है थोड़ा, लेकिन उसको तमीज जिस हिसाब से उसकी खत्म हो रही है ना, मुश्किल है, आज उसने जिस मैच जिताया यार पिछला, वो भाई जिस तरह उसने जिताया है, जिन बॉलों जिस तरह के शॉट उसने मारे ना, उतनी लल्लू बॉलिंग कहीं मिलेगी नहीं उसको कहीं और, ये देखो मतलब ये साथ के ना 15-20 मैचेस या 20-25 मैचेस में कोई एक मैच ही होगा वो जिता देगा उसको, कंसिस्टेंसी तो है नहीं ना, मतलब आज नहीं जिताया ना, आज पहला शॉट उसने बड़ा अच्छा मारा था, कट जो मारा था हिंदी भाई वाला, कट मारा था उसने, लेट कट मारा था उस वक्त, मैं यही हिसाब से कह रहा था कि भाई ये पोटेंशियल अच्छा खासा है, मैंने वही कहा था कि प्रॉमिसिंग था, लेकिन साहब पता है जब हर किसी को 20 बॉल पे 100 रन जिंदगी में, आफरीदी ने बर्बाद कर दिया, मैंने कहा हर किसी को शायद आफरीदी बनना है 20 बॉलों पे 50, मैं शायद आफरीदी बनना चाहता हूं, उसमें इसी से काम करवा भाई, ना शायद आफरीदी बनो ना मिसबा बनो, इंसान बनो, आगे बढ़ो, इन्होंने फिर गलत बात छेड़ दी है फहद भाई, अब देख ले आतिफ को तंग करने में मजा आता है थोड़ा सा, ना शाहिद आफरीदी बनो ना सरफराज अहमद बनो और ना अजहर अली बनो, सरफराज भी नहीं बनो, अजहर अली बन भी नहीं सकता हर कोई, यार अजहर अली और मिसबा को एक पकवान में मत डाल देना वरना बहुत ही खतरनाक मुर्गन खाना बन जाएगा बहुत शदीद, अरे भाई वो पकेगा ही नहीं, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उससे, ये वो खाने जो पकेगा ही नहीं, ये तो शरियाने जाम कर देगा, सारी शरियाने जाम हो जाएंगी, इतना मुर्गन खाना, ये खाना गलेगा ही नहीं भाई, और अगर फास्ट फूड बनाना है आपने तो शाहिद आफरीदी, तो शाहिद आफरीदी को डालें, उसके साथ थोड़ा सा हैदर अली भी डालें, और एक आसिफ अली और सॉस, खुशदिल शाह एक छोटा शॉर्मा बन जाएगा, हाँ खुशदिल शाह का नहीं वाकई बड़ा शॉर्मा बनेगा, सिर्फ वाकई होगा वो बड़ा नहीं होगा, इसमें ठंडा मुर्गी, ठंडी मुर्गी डाली, आसिफ अली की चटनी डलेगी उस पर, सॉस डलेगी और खुशदिल शाह का भी जो है ना कुछ डाल, सर्व कर दे टिश्यू पेपर साइड में, हो गया हो गया, 5 मिनट में बन के आ गई, 5 मिनट बन के आ गई और 2 मिनट में खत्म, और उसके अगले दिन में आपने निकाल भी दे दी, आधे घंटे में तेज उसमें मसाला डाला, फजूल की महंगी, मोहम्मद नवाज कहाँ गया फजूल की महंगी में, मोहम्मद नवाज की रैपिंग थी उसपे बटर पेपर होता है ना, मोहम्मद नवाज की बटर पेपर, मोहम्मद नवाज की रैपिंग थी और हसन अली लेकर आया था सर्व करने के लिए, अब सही है, और पकाया किसने था, पकाया शाहिद आफरीदी ने पकाया था, ये एक ही रेसिपी है, और वो भी दूर बैठ के, मिकी आर्थर को तो खैर बाबर का क्रेडिट देना चाहिए, नहीं इंग्लैंड में बैठ के मिकी आर्थर एक आठ डिश अच्छी भी बनाई है उसने, नहीं नहीं सही बात बनाई तो बाबर आजम की डिश अल्लाह ताला ने तो खैर चांस दे दिया था, जो दो टीमें जो डेटा पे बड़ा फोकस करती थी, इनफैक्ट न्यूज़ ये जो मुल्तान सुल्तान की जो पूरी कैंपेन थी इसमें, और इस्लामाबाद तो करता ही है, अगर आप ये देखेंगे उस्मान जब खेल रहा था उस्मान खान, तो इन्होंने उसको टारगेट ये किया हुआ था कि
शॉर्ट बॉल्स पे वो इतना अच्छा नहीं है, वो फंस भी रहा था। खैर उसने शॉट तो घुमाए, लगे भी उसके शॉट्स, लेकिन वो फिर भी काफी जिस तरह के वो खेलता रहा है ना पूरे टूर्नामेंट में, 25 बॉल में 25 रन उसके थे और 24 बॉल में 25 रन रिजवान के थे, जहां पे मैच फंस गया था 7 ओवर में 53 रन। लेकिन उस्मान की एक अच्छी बात यह है कि वो फ्लस्टर नहीं होता। अक्सर मैंने देखा वो 12 बॉलों पे 14 उसने बनाए होते हैं, लेकिन एकदम देखे ना आप तो 30 पे 50 हुए होते हैं उसके, तो वो अपने बॉलर्स भी पिक करता है और अपने शॉट्स पिक करके मारता है। टुडे ही वाज लकी एज वेल, जब हुनैन शाह जो है ना उसका कैच भी यार अच्छा लिया ना। सर जितने कैच पीएसएल में 70 से ऊपर कैच छूटे हैं, हर बैट्समैन किसी ना किसी पॉइंट पे लकी रहा। कब कब तो लेट्स अब छोड़ ही देंगे लकी सभी, यहां मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे हर बैट्समैन लकी। आजम खान भी शामिल है उनमें, आजम खान शामिल है। आजम खान तो सिर्फ इस बात पे लकी कि वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत धड़ल्ले से कैच छोड़े हैं यार। मतलब जैसे हुनैन शाह ने पहले मैच से लेके अभी तक मेरे ख्याल से 2 पकड़े हैं और शायद 8 छोड़े हैं, उससे मन्नत मांगी हुई है कि मैंने कैच नहीं पकड़ा। और उसके अलावा ये हुनैन शाह से बॉलिंग कराई थी आज, बॉलिंग करवाई है हुनैन शाह, हुनैन शाह से जो आखिरी बॉल खिलवाई है ना यार, बच्चा बच्चे को फंसा दिया यार। शाह साहब भी घर पे बैठ के बोल लेंगे मेरे लड़कों के साथ ये होता है, आखिर में फंसा देते हैं। लेकिन ये है कि लेकिन उसने शॉट भी बड़ा सेंसिबल बहुत सेंसिबली खेला है उसके अंदर, कोई वेट किया उसने बॉल का और प्लेस कर दी बॉल। खैर वो खून तो वही है ना, शाह ब्रदर्स हैं बिल्कुल। खैर चलें, अब आखिरी सवाल मेरा इस पे ये है कि पीएसएल खत्म हो गया, सब हो गया, आप कौन-कौन से प्लेयर्स देखते हैं जो पाकिस्तान की आने वाले दिनों में T20 स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए और वर्ल्ड कप के अंदर भी होने चाहिए? सबसे पहले काशिफ भाई आप, फिर आतिफ भाई आप। मतलब इस पीएसएल से वो पीएसएल की पिक्स क्या होनी चाहिए, चाहे वो पुराने हो यंग हो इररिस्पेक्टिव, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान के अलावा सारी स्लॉटें खाली हैं पीएसएल में, वो T20 में साइम अयूब को डाल दें चले यहाँ पे सब सेल पे। नहीं मेरे ख्याल से इसको ज्यादा बेहतर ऐसे नहीं है कि हम ये देख लें कि जो प्रोबेबल्स 14 या 15 होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए। तो बड़ा सिंपल है कि अगर 1, 2, 3, 4 तो बड़े सिंपल है। और साथ में ये देखें ना, हमें चाहिए कहाँ पे प्लेयर्स, हमें या तो मिडिल ऑर्डर चाहिए या हमें स्पिनर्स चाहिए। देखो ना, एक तो दो चीज लोग चाहिए, बाबर रिजवान साइम, तीन तो ये होगा, फखर चार यार। फखर अब मेरे ख्याल से यार फखर को ऊपर खिला रहे हैं, हम नीचे लाएंगे वो क्या करेगा, 14 नंबर पे ना, 14 नंबर पे खिलाएंगे स्पिनर्स। और ये और एक पांचवा चाचा हो गए, पांचवा चाचा हो गए, चाचा को ऊपर खिलाए आप, पांच ही हो गए। अब वो जो कंफर्म है जिसमें शाहीन है, नसीम है, शादाब आ गए, शादाब और शाहीन और नसीम, ये तीन हो गए, तो ये 8 लोग हो गए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका होना ना होना बड़ा डिपेंड करता है। आई थिंक अब्बास अफरीदी भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि सारे मैचेस खेला था, स्लैश मोहम्मद वसीम जूनियर मेरे ख्याल से, स्लैश आमिर जमाल, मेरे ख्याल से आमिर जमाल इज गोइंग टू बी देयर, आमिर जमाल और मोहम्मद वसीम दोनों को होना चाहिए। उसामा मीर स्लैश इमाद, दोनों एक ही जगह पे बॉल करते हैं, उसने भी अच्छा खेला है इतने, मतलब जो टॉप 6 हिटर्स हैं उसमें टॉप 3 में नाम है साउथ शकील का, 15 छक्के साउथ शकील के, छोटे छोटे हाथों से 15 छक्के मारे और वो भी आकिब जावेद की टीम को सबसे ज्यादा मारे, उसमें से 14 छक्के तो आकिब जावेद के लिए थे, आकिब जावेद के लिए। अच्छा, उसके अलावा मेरे ख्याल से आकिब जावेद को भी मिला लें तो आजम और स्लैश हारिस में से कोई एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर तो होगा, इनमें से कोई एक होगा। आई विल गो विद आजम, हारिस के मुकाबले पूरे बर्रे आजम में भी ढूंढेंगे ना, कसम से पैसा कीपर नहीं मिलेगा। नहीं कीपर यार, अब हारिस की परफॉर्मेंस, हारिस की परफॉर्मेंस और आजम की परफॉर्मेंस दोनों के सामने, बस यही है कि वही वाली बात है, पिकिंग फ्रॉम द बॉल कौन सा तो कम वर्ड यार, एक बंदा एक प्लेयर आपका 70-80 रन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, एक आपका 40 बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, हाउ कैन यू गो फॉर हिम। मैं वो कह रहा हूं ना, हारिस बहुत अच्छा है ना, हारिस खेलता भी तीन पे, आजम हमें तो चाहिए लेट 4-5-6-7 पे अच्छे बैटिंग करने वाले लोग चाहिए हमें। तो देखो ना, 10 तो हमने निकाल लिए, 11वां अगर इनमें से कोई आता है, ये एक और एक दो प्लेयर्स कोई, मेरे ख्याल से इमाद वसीम को होना चाहिए,
उसामा मीर को ऐड करें ना करें, इमाद वसीम हो सकता है थर्ड स्पिनर पे। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है शादाब और इमाद दोनों खेलेंगे और उसके साथ साइम भी होगा, चाचा भी होंगे, आपको स्पिन की जरूरत स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थर्ड स्पिनर के तौर पे स्क्वाड में मैं क्या स्क्वाड में और मतलब एक पूरा स्पिनर हम इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे आपके मेहरान मुमताज, आपके अराफात मिन्हास, आपको इनको यंग प्लेयर्स को खिलाए ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनके खिलाफ खिला लें, लेकिन वर्ल्ड कप लेकिन अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एक मेन लाइन स्पिनर नहीं चाहिए। हाँ लेकिन लेकिन अगर उसामा मीर ने 25 में तो 24 आउट की है ना, ये भी तो है ना यार, ये भी पूरा सीजन खेल गया ना, मतलब पूरा सीजन खेला। चलो उसामा मीर थोड़ा बैट भी हिला लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बनी है, लेकिन ये तुम्हारे पास सही है कि मेहरान मुमताज वगैरह को जो है ना जरूर चांस ये वाले मैचेस में खिलाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब जो अगले जो 6-8 मैचेस आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप से पहले, कितने 10 हैं, 8-10 मैच है ना, इसमें तो ये पीएसएल के जितने भी पिक्स है ना इनको खिलाना चाहिए। और ये जो बड़े लड़के हैं ना हमारे, मोहम्मद अली को भी खिलाएं, नसीम को रेस्ट करवाएं आराम से, शाहीन को भी रेस्ट दे देंगे यार थोड़ा सा, शाहीन को तो बोलो तुम रेस्ट ले लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे, तो रेस्ट करेगा वो, वरना मुश्किल है उसका, वो तो उसका बस नहीं चलता, वो बस जहाँ कैमरा लगाओ ना वहाँ बॉलिंग शुरू, मोहम्मद अली को खिलाएं आप, सीसीटीवी कैमरे के आगे भी बॉलिंग शुरू कर देता है वो काशिफ भाई, वो इतना वो हुआ है कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इतना ज्यादा उसके प्रोस्पेक्ट लग नहीं रहे। इमाद ही आ जाए अभी, नहीं इमाद आ जाए, इमाद इज अ मच नीडेड कमोडिटी, उस टाइप का प्लेयर। लास्ट 3 महीनों से मैच हो गए, चार हुए तीन हुए, परफॉर्मेंस तो चार अच्छी है, चार नहीं असल में चौथे वाले जो उसमें थे ना, उसमें मुनरो और शादाब ने जो असिस्ट रन बनाए थे ना वो भी थे ना यार, तीन मैचों में उसने तीन तीन आउट किया, आज पांच आउट किया यार, 15 आउट कर दिए चार मैचों में उसने, और पावर प्ले में सेट कर देता ना वो, मूडी सेट कर देता, दो में तो वो इमाद वसीम लग रहा है जो 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 था, और ये इमाद वसीम थोड़ा ज्यादा लीथल लग रहा है, दैट इज इमाद वसीम हैज अ पॉइंट टू प्रूव, वो एक पॉइंट प्रूव करने के उसमें कर रहा है ये रन। लेकिन काशिफ भाई कुछ वही नहीं है, इमाद वसीम को कैप्टन भी बना देंगे अगर लेकर आ रहा है, कैप्टन नहीं बनता अभी तो टीम में नहीं आ रहा वो, ये पॉसिबिलिटी बहुत मतलब कम है, ये वही पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस जमाने में ये बन सकता था उस जमाने में नहीं बनाया इसको, जब ये कराची से भी जीता था, और उस वक्त तो बाबर वगैरह का, उस वक्त तो सरफराज का निकालना हजम नहीं हो रहा था कौम को, इसको कहां बना दे कैप्टन, अब तो केस दूसरा है ना। चले अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इन सारे बच्चों को ट्राई करें और जितना कर सकते हैं, बाबर और रिजवान तो अपनी जगह नहीं छोड़ने वाले, उस पर डिस्कशन की भी कोई फायदा नहीं है, वो लोग तो सारे मैच खेलेंगे यार, उनको मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में दोनों को ओपन कराना चाहिए यार वो, वरना उनका कोई काम नहीं है टीम में फिर। वैसे पता है क्या, मैं ये साथ वाली बात पे मैं थोड़ा सा, होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार ये अगर ये जो पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिशियल क्या है, तो इनका जो आपस जो इंटेंडम अच्छा खेलता है, साथ जो अच्छा खेलते हैं ना ये, किसी भी टारगेट को चेस करते हुए, आई थिंक दे कैन यू नो प्ले वेल टुगेदर, मतलब एक साथ जब ये खेलते हैं ना तो कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं। रिजवान जब कैप्टन, अभी आप वो T20 का स्टैट बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कितने ओवर में एक विकेट गिरती है, एवरेज तीन ओवर का एक जो भी स्कोर किया है, उसके बाद आपके पास इफ्तिखार आता है, उसके बाद आपके पास आमिर जमाल है, इमाद वसीम है, शादाब है, और आजम खान को भी अगर आप रख लें इसमें, तो आपके पास एक अच्छी लीथल पावर हिटिंग की जो है ना 4-5 प्लेयर आ जाते हैं, जो 10 में आप 100, 105, 110 कर सकते हैं, और 185-90 का, लेकिन मसला ये है कि अभी जो आपके बॉलिंग के हालात है ना, फास्ट बॉलिंग के, आपको ऐसी बैटिंग चाहिए 200 से ऊपर रन चेस भी कर सके और बना भी सके रेगुलरली, बॉलिंग के हालात सही हो जाएंगे, सही कह रहे हो, अगर आप 70-80 शाहीन आफरीदी पे डिपेंड करना छोड़ दो, आप तीन बॉलर्स जैसे हो ना, और फिर जो स्पिनर्स होंगे, क्योंकि सीपीएल में जो हमने देखा है कि जो एवरेज स्कोर है वो तकरीबन 175-180-165 इसके अराउंड, वर्ल्ड कप में 10-15 रन कम कर लें, लेकिन हम लोग अगर 10 में बाबर 80 देगा हमें, तो बाकी 10 में हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि हर दफा 100-110 ये लोग हमें बना के दें। सर बाबर आपको 10 में 70 दे दे तो भी बहुत है, अगले 10 में वो 90 दे देना, हमारे बॉलिंग में इतना दमखम नहीं है, पीएसएल में अकेले अकेले अपनी फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं यार, अब देखें ना, अब इसमें दो चीज है ना, अब देखें इसमें दो चीजें हैं कि एक तो ये कि शाहीन आफरीदी का जो भौकाल था, ठीक है, अब तो दुनिया भर ने बोलना शुरू कर दिया कि यार जरा अपनी जगह इंसान बन जाओ, जरा वरना जगह से भी जाओगे, तो दुनिया बोल रही है पानी नहीं आ रहा नलके में, शाहीन भाई आजा जरा हल्के में, हाँ सोच के आना हल्के में यार, ये आपने आमिर लियाकत की बात याद दिला आज मोहम्मद अली ने मैच बना दिया था आपका सिर्फ 8 रन पे,
जैसे हमारा वर्ल्ड कप में कितना अच्छा अटैक था, एक आमिर जमाल हो गया ना आपका, नहीं वो भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ तीन फास्ट बॉलर चाहिए हमें, अब वो तीन कोई भी हो ना, शाहीन नसीम, आमिर जमाल, शाहीन नसीम या जो भी, शाहीन नसीम, आमिर जमाल ही होने या वसीम हो या जो भी हो, तीन फास्ट बॉलर भाई। अगर मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ले लेते हैं ना शाहीन अफरीदी की जगह, ठीक है, सही है, तो भी काम से दोनों, लेकिन ये मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे, ये इमाद से फिर ओपन करवाएंगे, इमाद से ओपन करवाए ना, क्यों नहीं करवा रहे यार, पांच पांच आउट कर रहा है वो, चार चार आउट कर रहा है, कुट नहीं लगाओ शाहीन अफरीदी की, टू गो विद, अब हम शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, शाहीन और फिर हम जो है वो बाबर आजम फैन बन जाएंगे जो शाहीन के खिलाफ हेट फैला रहा है। नहीं नहीं, बाबर आजम के फैन तो भाई हम हैं, हाँ, लेकिन हम शाहीन के खिलाफ हेट नहीं बना रहे, हम हेट नहीं बोल रहे भाई, आप नंबर्स देख लो ना, डेढ़ साल के, दो साल के, उसके ऊपर बात हो रही है ना, और वो इंजरी कैरी कर रहा है, मुझे तो अभी भी लगता है वो उस तरह से भाग गया, शादी के बाद भी छुट्टी नहीं ली यार उसने, काशिफ भाई ऐसा कैसे होता है, उसने सबक याद कर लिया था। अच्छा, असल में अब ये है गेम के भाई, इमाद के आने से ना टीम का बैलेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, और मोस्ट प्रॉबली हमें शायद जो है ना छठे बैट्समैन की जरूरत ना पड़े, रिजवान बाबर ओपनर जाते हैं, तीसरा साइम आता है, फखर, इफ्तिखार, शादाब, इमाद, आमिर जमाल, बहुत सब कुछ सेट हो जाएगा, नीचे नसीब शाह भी होगा, हाँ भाई, और शाहीन खुद इतने बड़े बैट्समैन, शाहीन इतने बड़े बैट्समैन, शाहीन से ओपन, अगर ओपन करने का शौक है इसको, बाबर के साथ ओपन कर, नई बॉल से करना है ना इसको, ये कर ले कोई बात नहीं, शौक पूरा कर ले अपना, तो ये देखते हैं हो सकता है रिजवान अपनी जगह दे देगा, रिजवान नहीं देगा यार, उसने दो चीजें, आज रिजवान जीता नहीं तो उसने क्या किया यार, आज भी लर्निंग हुई है, लर्निंग हुई तो लेकिन यार इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड कप में अच्छे हैं, तो बेसिकली हम ये एंड कर सकते हैं इस बात पे कि मुल्तान सुल्तान के लिए या तो विन था या तो लर्न था, तो आज लर्न हो, बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, इन तीनों में सबसे बेहतर कैप्टनसी जो नजर आई है ना वो रिजवान, रिजवान की है, और तुमने शादाब का नाम नहीं लिया जिसने टूर्नामेंट जीत लिया यार, शादाब को तो इमाद वसीम ने जिताया ना, उसमें कैप्टनसी का क्या कमाल है एक बॉलर आगे पांच आउट कर देता है, इसमें कैप्टन ने क्या किया है, कैप्टन ने तीन आउट किए यार, कैप्टन ने बॉलिंग, कैप्टन को जो दो विकेट दी हैं वो भी तो क्या थी, वो उसामा मीर जो बॉलर के हाथ से छूटने से पहले छक्का मारने चला गया था, कैप्टन ने जो मैच जितवाया है वो मैच जितवाया जहां जब एक टीम को जीतना है लाजमी, और 228 का टारगेट लगा हुआ है, और आपके दो आउट हो गए 15 रन के ऊपर, और 213 रन चाहिए 18 ओवर में, और वो जितवाया फिर भाई, कैप्टन की सबसे बड़ी हिमाकत ये है कि वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कौन शादाब, हां शादाब ने मैचेस जिताए हैं उसको तो आर्ग्यू नहीं किया जा सकता, और दूसरा ये कि पर भी आज से नहीं जिता रहा वो, जब से आना शुरू किया तब से, इस्लामाबाद की टीम जो है ना पूरी 11 वो अपने अपने रोल्स के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट्स है ना पूरे पीएसएल के जितने भी प्लेयर्स का पूल है वो अपने अपने स्लॉट्स के सबसे बेस्ट है, मतलब यार जब आपके पास मनरो और गप्टिल ओपनर हो और बैकअप के अंदर आपको एलेक्स हेल दो, बैकअप में एलेक्स हेल दो, फिर आगा आपका अच्छा खेल रहा हो तीन नंबर पे, फिर मतलब आप सोचो ना यार हैदर अली को छह नंबर पे बैटिंग करा रहे हो, इतनी अच्छी किस्मत है कि हैदर अली भी आपको एक मैच जिता दे, बिल्कुल, ये तो वही है ना वो स्टीव वॉ की टीम में के गिलेस्पी को बिठाते थे तो कैस्परोविच आउट कर देता था, कैस्परोविच को बिठाते थे, तो रिजवान ने छोटे प्लेयर से बड़ा काम लिया है, ये उसकी क्वालिटी है एज अ कैप्टन, चले वही हो गया ना, आज विन नहीं हुई तो लर्न हो गया।